हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बटरफ्लाई इलेक्ट्रिक कैटल 1.5 लीटर का। अब ये इलेक्ट्रिक कैटल जो है ये एक लिक्विड हीटर है। मैं लिक्विड हीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसमें पानी, दूध, चाय, यानी कि वो हर एक चीज़ बहुत इजीली गर्म कर सकते हो और बहुत जल्दी ये गर्म कर देता है। तो ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक कैटल या फिर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या फिर इलेक्ट्रिक लिक्विड हीटर, इसका जो कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर का कैपेसिटी है और ये कुछ आपको इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेट में मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह का, जो फोटो है इसी तरह का प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिलता है। इसे खोलने से पहले इसके जो थोड़े बहुत फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाता है, तो इसलिए जब भी आप इसे खरीदोगे बटरफ्लाई इलेक्ट्रिक कैटल को, इसका जो बिल है अपने पास जरूर रखिएगा 1 साल तक। उसके अंदर अगर इसका कुछ खराबी आता है तो आप इसे बहुत ईजिली रिपेयर या फिर रिप्लेस कर सकते हो। इसका टोटल जो पावर है वो है 1500 वॉट का। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके और थोड़े बहुत फीचर्स है। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉडी, यानी इसका जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। दूसरा, कॉर्डलेस डिजाइन है, यानी आपको डिटैचेबल या फिर कॉर्डलेस डिजाइन मिल जाता है। ऑटोमेटिक कट ऑफ है, यानी पानी जब गर्म हो जाए या कोई भी चीज़ जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। 360 डिग्री सिवल बेस, यानी आप उसे कहीं पर भी नीचे रख के उसका एक बेस रहेगा जिसके ऊपर आपको रखना है, आप बहुत इजीली 360 डिग्री तक उसे घुमा सकते हो। सिंगल टच लीड लॉकिंग, हीट रेजिस्टेंट हैंडल, पावर इंडिकेटर, लार्ज कैपेसिटी वोल्टेज और इसका पावर टोटल दिया गया है और ये कंप्लीटली आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें जो पैकेट मिलता है या फिर जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो गाइज चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है, एक एक करके हम हर एक चीज़ निकाल देते हैं। सबसे पहले गाइस जैसा आप देख सकते हो हमें इसका बेस मिल जाता है, मैं इसे साइड में कर देता हूँ। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको कहा था सिवल बेस, यही है वो सिवल बेस जिसके ऊपर आप ये जो कैटल है इसको रखोगे। ये आपको इस तरह के एक पावर कॉर्ड के साथ मिल जाता है। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो भी आपको मिल जाता है और इसके अंदर इसका जो वारंटी कार्ड है वो भी आपको मिल जाता है। तो इसे संभाल के रखिए और इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के दौरान भी बता दूंगा इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है हमारा इलेक्ट्रिक कैटल, ये देखिए गाइस, ये है बटरफ्लाई इलेक्ट्रिक कैटल 1.5 लीटर कैपेसिटी वाला। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे यूज़ करते हैं। गाइस इसे कैसे ऑपरेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके नीचे यहाँ पर एक ठो आपको हीटर मिलता है, जो छोटा सा एक पॉइंट आपको दिया जाता है। ये बेस में इसको इस तरह से सिंपली रख लोगे और ये जब ऑन होगा तो यहाँ से गर्मी आपका यहाँ तक आएगा और फिर ये हीट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर इसका हैंडल दिया गया है जिसमें पावर का बटन दिया जाता है। ये ऑफ है, ये ऑन का बटन है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लैच मिलता है जिसे आप प्रेस करोगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप पानी भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो यहाँ से पानी आप बाहर निकाल सकते हो, आउटलेट है, तो उसके नीचे तक आप भरिए। अगर उससे ज़्यादा आप भरते हो तो पानी उबलते वक्त सामने की तरफ से छिटका दे सकता है। तो अब आप इसे इस तरह से बंद करके प्रेस कर दीजिए और ये आपका कंप्लीटली लॉक हो गया। तो चलिए अब हम इसमें पानी भरते हैं और देख लेते हैं ये कितनी आसानी से पानी को गर्म कर सकता है। जैसा आप देख सकते हो मैंने सिंपली इसके अंदर पानी भर दिया है। आप इसे इस तरह से बंद कर दीजिए, इसको यहाँ पर इस तरह से सिंपली रखिए और फिर जो पावर प्लग है उसे हम ऑन कर देते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक ग्लो का बटन है, यानी एक लाइट का बटन है। आप सिंपली इसे जब ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगा। अब पानी या जो भी चीज़ आप अंदर रखे हो वो बॉयल होना शुरू होगा। तो बॉयल होने के बाद जब ये 100 डिग्री या जो भी डिग्री है जब इसको बंद करना है ये अचीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद को शट डाउन कर देगा। अब अगर आप ध्यान से सुनो तो पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो भी चुका है। तो गाइस जैसा आप सुन सकते हो पानी अभी बॉयल होना शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो गया और ये जो 1 था ये ऑटोमेटिकली 0 में आ गया। तो अभी अगर हम अंदर देखें
तो आप देखिए वाटर जो है वो कम्प्लीटली बॉयल होने लगा है और अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 मिनट लगा इसे कम्प्लीटली गर्म करने के लिए। तो गाइज यह है हमारा बटरफ्लाई 1.5 लीटर कैटल या फिर इलेक्ट्रिक कैटल आप बोल सकते हो। अब पानी अगर आपको इसमें कहीं पर भी ऐसे निकाल के पीना है तो सिंपली आप इसे इस तरह से पकड़िए, पानी को आप यहाँ से इस तरह से जस्ट आउट कर सकते हो। तो देखिए पानी पूरा गर्म हो गया है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं इस प्रोडक्ट का जो लिंक है, जो बाइंग लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जाकर उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।